आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एयर एशिया का उद्घाटन कर चुके हैं। इसके बाद सीएम योगी 5:30 बजे डिलाइट के साथ एमयू पर हस्ताक्षर करेंगे। शाम 6 बजे आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में प्रेजेंटेशन का अवलोकन करेंगे और 6:30 बजे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक को लेकर भी चर्चा करेंगे। वही आज एयर एशिया का उद्घाटन करने के बाद जो योगी आदित्यनाथ का शेड्यूल है वो इस तरह से है। आजादी के अमृत महोत्सव को भी लेकर आज वो प्रेजेंटेशन देंगे। 6:30 बजे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसलिंग की बैठक को लेकर भी चर्चा करेंगे। वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में क्या कुछ कार्यक्रम है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 बजे अमौसी एयरपोर्ट पर एयर एशिया का जो विमान है उसका शुभारंभ किए हैं। अब लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से एयर एशिया की भी फ्लाइटें मिलेंगी और उत्तर प्रदेश के लिए एक बेहद अच्छी चीज है कि जहां तमाम फ्लाइट की कंपनियां उत्तर प्रदेश में आकर अपने निवेश करती अपने फ्लाइटों को अगर देखे तो लखनऊ से अपने गंतव्य स्टेशनों तक गंतव्य एयरपोर्ट तक भेजती है, उसी क्रम में अब एयर एशिया भी उत्तर प्रदेश के अमौसी एयरपोर्ट पे सेवाएं देंगी। वहीं अगर बात की जाए तो डिलाइट के साथ आज मुख्यमंत्री 5:30 बजे के करीब एक MOU साइन करेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर में डिलाइट के जो भी वेंचर्स हैं उसको उत्तर प्रदेश में निवेश के देखते हुए जो कि इन्वेस्टमेंट समिट के ब्रेकिंग डाउन सेरेमनी हुई थी उसमें भी डिलाइट का अच्छा खासा योगदान रहा था, तो डिलाइट के साथ MOU साइन करके अब उत्तर प्रदेश में उस पर काम किया जाएगा। वही अगर बात की जाए तो 6:00 बजे आजादी के अमृत महोत्सव के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करेंगे, तो इसमें जो तमाम अधिकारी जिम्मेदारों को जिम्मा दिया गया है कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पे जो तमाम तैयारियां की जा रही है, साथ ही साथ जो लक्ष्य रखे गए हैं कि 20 करोड़ झंडे लगाए जाएंगे, साथ ही साथ 13 से अब 15 अगस्त तक झंडा हर घर झंडा अभियान का चलाया गया है, इसके तहत कैसे इस कार्यक्रम को स्वरूप देंगे, साथ ही साथ हम इसको लेकर आज मुख्यमंत्री तमाम विभाग के जो जिम्मेदार हैं जिनको जिम्मेदारियां दी गई है कार्यक्रम की तैयारी को लेकर उनसे प्रेजेंटेशन लेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितना काम पूरा हो गया है। वही अगर बात की जाए तो 20 करोड़ झंडे लगाने की बात उत्तर प्रदेश के अंदर में कही जा रही है, तो उसको उस लक्ष्य को उत्तर प्रदेश की सरकार पूरा करना चाहती है। साथ ही आपको बताएं कि जो अलग अलग संस्थान है, साथ ही मदरसा है, चाहे किसी तरह का शैक्षिक हो या व्यावसायिक संस्थान हो, इन सब जगहों पे तिरंगा फहराने की बात कही गई थी, तो उसी क्रम में मुख्यमंत्री कुछ ऐसे भी आदेश दे सकते हैं जैसे उनकी 20 करोड़ झंडे के साथ साथ जो प्रतिष्ठान है, गांव है और साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को खोज कर गांवों में चाहे शहरों में कस्बों में उनसे झंडा फहराने का प्रधानमंत्री अनुरोध कर चुके हैं। अब मुख्यमंत्री इस पर बैठक करेंगे और प्रस्तुतिकरण लेंगे। वही आपको बताएं कि 6:00 बजे नीति आयोग जो केंद्रीय नीति आयोग है उनकी गवर्निंग काउंसिल के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में माना ये जा रहा है जो नीति आयोग के हाल ही में कई फैसले लिए गए हैं उसमें जो केंद्र सरकार से चलते हैं नीति आयोग उसके जो काउंसलिंग मेंबर है जो गवर्निंग मेंबर है काउंसलिंग मेंबर है उनके साथ बैठक करेंगे और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएं है उत्तर प्रदेश का जो अगर बात की जाए जो तमाम उपलब्धियां हैं उन पर भी बात की जाएगी। जय सतना विभांशु, अगर बात किया जाए एयर एशिया का जो उद्घाटन किया गया है कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के पैसेंजर होते थे पहले वो दिल्ली जाते थे अगर उन्हें एयर एशिया की फ्लाइट चाहिए होती थी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश निवासियों के लिए कि उन्हें अब एयर एशिया की भी फ्लाइट इजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो जो जनता है उत्तर प्रदेश की उनका क्या कुछ कहना और क्या कुछ खुशी की लहर है जनता में इस उद्घाटन को लेकर के? जी, आपको बताएं कि एयर एशिया जो कि तमाम देशों में अपनी फ्लाइट सेवाएं देती है वो आज से पहले दिल्ली में सबसे नजदीक अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो दिल्ली से मिलती थी, अब ये अब उत्तर प्रदेश वासियों के लिए साथ ही साथ जो पड़ोसी राज्य हैं उनके लिए आसान हो गया है क्योंकि अगर देखा जाए तो लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से बिहार से लेकर और नेपाल तक के यात्री अपने सेवाएं लेने आते हैं,
उसी क्रम में उनके पास एक और ऑप्शन हो गया, एक और विकल्प हो गया कि वो एयर एशिया को दिल्ली से ना पकड़ के अब वो लखनऊ से ले सकेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए ये बेहद खुशी का दिन है, क्योंकि जहाँ तमाम फ्लाइटों का विस्तार हो रहा है, एयरपोर्टों का निर्माण हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उसी क्रम में जो लखनऊ एयरपोर्ट है उसे हाईटेक बनाया जा रहा है और तमाम अन्य कंपनियों को भी मौका दिया जा रहा है जिससे ग्राहकों को ऑप्शन मिल सके, साथ ही साथ उनके जेब पे भी असर दिखे कि अगर उनके पास ऑप्शन हो कि अगर वो भारत की जो एयर इंडिया और तमाम जो फ्लाइटें आती है उसके अलावा एयर एशिया भी ले सके। और इसको देखते हुए जो तमाम सैलानी है तो अगर देखा जाए तो उनके लिए काफी बेहद अच्छा दिन है। जी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया विभांशु। एयर एशिया का उद्घाटन हो चुका है, एशिया के उद्घाटन लखनऊ एयरपोर्ट पर होने से तमाम तरह की सुविधाएं भी यात्रियों को मिलेगी। जो दूर दूर से यात्री उत्तर प्रदेश के दिल्ली को जाते थे, अगर उन्हें इंटरनेशनल फ्लाइट चाहिए थी, एयर एशिया की फ्लाइट चाहिए थी, तो अब उनके लिए कहीं ना कहीं ये सुविधा और हो चुका है कि लखनऊ से ही उन्हें एयर एशिया की भी फ्लाइट मिलेगी। फिलहाल अभी के हमारे सेगमेंट पर इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।